मैं डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे बालों की। आयुर्वेद वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से बना है और हमारा शरीर भी इन्हीं तीनों दोषों से बना है। हमारे शरीर का हर एक पार्ट इन्हीं तीनों दोषों से मिलकर बना है, जो हमारी प्रकृति कहलाता है। तीन टाइप्स के हेयर्स होते हैं, वातिक हेयर, पैतिक हेयर, कफज हेयर। वातिक हेयर ड्राई हेयर्स होते हैं, दो मुँह जल्दी हो जाते हैं, उनमें जितना भी तेल डालें वो कंपैरेटिवली कम लगता है और फ्रिजीनेस ज़्यादा होती है। पैतिक हेयर स्ट्रेट होते हैं, थोड़े भूरे होते हैं लेकिन पतलापन लिए हुए होते हैं, जल्दी सफ़ेद होते हैं और जल्दी ही झड़ते भी हैं। और कफज हेयर कंपैरेटिवली थिक होते हैं, शाइनी होते हैं लेकिन उनमें ऑयली स्कैल्प में ऑयलीनेस रहती है, जो कि डैंड्रफ का भी कई बार कारण बनती। अपने हेयर्स के टाइप को जानकर ही हमें किसी भी तरीके की ऑयल लगाना चाहिए या फिर हेयर मास्क या फिर टाइप ऑफ डाइट लेनी चाहिए। बालों के झड़ने की बात करें तो बालों के झड़ने के बहुत से कारण हैं। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण मोस्टली वातिक और पैतिक हेयर झड़ते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, यानी कि पैकेट फूड का सेवन करते हैं, या फिर नमकीन अचार या तला हुआ भोजन ज़्यादा करते हैं तो आपके बाल झड़ते हैं। रात्रि जागरण, यानी कि अगर आप रात भर काम करते हैं और दिन में सोते हैं, या रात को देर तक सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो भी वात का प्रकोप होता है और बाल झड़ते हैं। PCOD, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या खून की कमी, एनीमिया के कारण, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण बाल झड़ते हैं। ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, केमिकल्स का एप्लीकेशन के कारण, बालों की कलरिंग के कारण बाल झड़ते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो पित्त के बढ़ने के कारण, यानी शरीर में जब बॉडी में गर्मी बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, या नेचुरल सीज़न ही गर्म है, तो बाल कंपैरेटिवली पैतिक हेयर ज़्यादा झड़ेंगे। कफज हेयर तब झड़ते हैं जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल एप्लीकेशन करते हैं या फिर स्टिकी फूड खाते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि हम बाज़ार से कोई भी तेल ले लेते हैं और उसे अप्लाई करते हैं और बालों पे लगाना शुरू करते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष रिजल्ट नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने हेयर टाइप को नहीं समझते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि केवल तेल लेने से ही बाल झड़ना रुक जाए, लेकिन तेल लगाने से बाल झड़ना रुकते नहीं हैं। तेल एक हेल्प कर सकता है, लेकिन जब तक आप ओरल मेडिकेशन नहीं लेंगे, यानी कि कुछ ऐसी औषधियाँ जो कि बालों के लिए हेल्पफुल हैं, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों के रीग्रोथ के लिए, और अपनी प्रकृति के अनुसार अगर आप औषधियाँ नहीं लेंगे तो बाल झड़ना नहीं रुकेंगे। उनमें जैसे भ्राम्मी है, जो स्ट्रेस के कारण बाल झड़ते हैं, उनके लिए अच्छा है। जटामानसी भी अच्छी औषधि है। आंवला पित्त को कम करता है और विटामिन सी का सोर्स है, जो कि बालों के लिए अच्छा है। मेथी दाना, तिल, ऐसी औषधियाँ कैल्शियम से युक्त हैं, जिन्हें अगर आप खाएंगे तो बालों को नेचुरल कैल्शियम मिलता है, नेचुरल प्रोटीन मिलता है। शिरोधारा एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए कहा गया है कि न खालित्यम न पालित्यम, यानी कि जिसको करने से खालित्य और पालित्य नहीं होता, यानी कि बाल झड़ते नहीं हैं और जल्दी सफ़ेद नहीं होते। सिर्फ शिरोधारा तेल से न करके हम छाछ से भी कर सकते हैं, छाछ से भी बाल धो सकते हैं। शिरोधारा आप घर पे भी कर सकते हैं, बालों को छाछ से धो सकते हैं, दूध से धो सकते हैं। छाछ और दूध एक नेचुरल कंडीशनर है। आप बाजारी कंडीशनर्स की अपेक्षा घरेलू कंडीशनर छाछ या दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दही भी आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं। बालों में हेयर पैक भी लगा सकते हैं इन्हीं औषधियों, जैसे ब्राह्मी, आंवला, मेथी दाना, तिल, इनको मिक्स करके आप शहद या दही में मिक्स करके बालों में, एलोवेरा में मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आप डैंड्रफ से पीड़ित हैं तो आप नीम के पानी से भी बाल धो सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। पंचकर्म शोधन थेरेपी है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये आप कहीं भी अपने आसपास किसी आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति की जाँच कराते हुए पंचकर्म चिकित्सा कराएँ। नस्य थेरेपी बालों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि नस्य में नाक में तेल डाला जाता है जो कि हेयर्स को नरिशमेंट देता है। आप अगर पित्त प्रकृति के हैं, सिर में दर्द है, तो आप घी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत पुराना जुकाम है, वो भी एक बालों के झड़ने का कारण होता है, तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। नाक में तेल डालने से बालों का झड़ना कम होता है और बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। भृंगराज एक ऐसी औषधि है जिसको लगाने से और खाने से बाल भंवरे के समान काले बने रहते हैं। हमारे आयुर्वेद में पोषक तत्वों से युक्त औषधियाँ हैं जो कि
आप उपयोग करें, आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें और अपने बालों को स्वस्थ बनाए रखें। जय आयुर्वेद।